भैया एक पेन किलर देना तुम, ये आम जिंदगी है भैया। डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासीटामोल सिराटप दे देना, ये ज्ञानी बाबा जिंदगी। राजा जी हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अंडरडॉग मैन फिजिक बॉडी बिल्डर के विषय में, प्लस दोस्तों मुकेश सिंह गहलोत ने कुछ स्पेशल टिप्स दी उसको भी देखेंगे, एंड सिद्धांत जायसवाल ने किस ज्ञानी बाबा को रिप्लाई किया इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं रितिक शर्मा, जो खेलते मैन फिजिक कैटेगरी से। दोस्तों इनके विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये भी पार्टिसिपेट करने वाले अमेचर ओलंपिया में मैन फिजिक कैटेगरी से। जैसे कि आप यहाँ पर इनकी फिजिक देख सकते हैं, इस बार इन्होंने अपनी बॉडी में मसल मास काफी ज्यादा गेन किया। जैसे कि आप यहाँ पर इनके बाइसेप, शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमिनल पार्ट में ध्यान दे सकते हैं कि जो इनकी बॉडी के जो प्रत्येक मसल वो क्लियर रूप से विजुअल हो रही। दोस्तों आप यहाँ पर इनके लेग में भी फोकस कर सकते हैं कि इन्होंने लेग में भी अच्छा काम किया। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या ये अंडरडॉग मैन फिजिक कैटेगरी के बॉडी बिल्डर रितिक शर्मा अमेचर ओलंपिया में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आपको इनकी फिजिक कैसी लगी ये भी आप हमें जरूर बताएगा। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है मुकेश सिंह गहलोत, और उनसे सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या टिप्स दी है। दोस्तों आप कितनी जल्दी बड़ा चैंपियन बनेंगे इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिसमें मैं बात करूँ अगर ट्रेनिंग का, तो सबसे उसमें आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी हाई होना चाहिए। हाई ट्रेनिंग इंटेंसिटी मतलब हैवी लोड के साथ ट्रेनिंग, और हैवी लोड की डेफिनेशन क्या है, जो आपको रैप रेंज दिया गया है उतने रैप के लिए आपने मैक्सिमम वेट पे जाना है। 8 रैप दिए हैं तो 8 रैप के लिए, 10 दिए हैं 10 रैप के लिए, 16 रैप का टारगेट है तो 16 रैप के लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोड पे जाना है। दूसरा, हमेशा एक रैप ज़्यादा या 2.5 किलो ज़्यादा के लिए आपने पुश करना अपने आप को। तीसरा, आपका जो रेस्ट टाइम है बिटवीन सेट्स है उसको कट करना है। जितना टाइम को कट करेंगे और लोड हैवी करेंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस जल्दी इम्प्रूव करेगी। मसल मास गेन करें या कट करें किसी भी फेज में, दोनों फेज में काम करेगा ये। आप करें इसको 8 वीक के अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। थैंक यू। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते कि ज्ञानी बाबा की प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है। दोस्तों कल सिद्धांत जायसवाल ने इस पिक को शेयर किया, जिसमें आप इनकी ये पुरानी पिक है जहाँ इन्होंने अपने एब्डोमिनल ऑब्लिक एरिया को शो किया था। तो दोस्तों इसी पिक के नीचे एक बंदा कमेंट करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमने उस पिक को भी लगा दिया, जिसमें ये सिद्धांत जायसवाल को मेंशन करता है कि इसको ऑब्लिक नहीं कहते। तो दोस्तों यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्लाई देते हुए सिद्धांत जायसवाल ने क्या कहा, आप इसका कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप हमें जरूर बताएगा क्या सिद्धांत जायसवाल सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अरे यार, ये आजकल के मेरे छोटे छोटे भाई लोग को क्या हो गया है, न्यू एकेडमी ज्वाइन करते हैं, नए नए मसल का नाम सुनते हैं, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है, बड़ा न्यू होता है। बट कुछ चीज़ें जो होती है ना कॉमन होती है, कॉमन लोगों को कॉमन भाषा समझ में आती है, तो उनको वही वाला लैंग्वेज बात किया जाता है। तो हुआ ये कहानी, मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो रिसेंट पोस्ट डाला है उसमें मैंने लिखा है कि गिन के बताओ मेरे कितने ऑब्लिक है। तो एक बंदे ने उसमें कमेंट किया कि इसको ऑब्लिक नहीं, इसको सेरेटस बोलते हैं। तो मैंने बोला ओके भैया गलती हो गई। तो फिर उसने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट निकाला, स्क्रीनशॉट निकाल के स्टोरी पे डाला और लिखा कि सिद्धांत जायसवाल इतने ये बॉडी बिल्डर, इनको ऑब्लिक सेरेटस के बारे में नहीं मालूम, बट कोई बात नहीं मैं आपको बताऊंगा, आई एम हियर, और मुझे टैग कर दिया। पढ़ाई कर रहे हो, आपको टेक्निकल पता है, बट जो ये नॉर्मल जनता है, नॉर्मल पब्लिक है, उनको नहीं पता। अगर मैं लिखूंगा इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, सेरेटस, रेक्टस, लोगों को नहीं समझता है, लोगों को ऑब्लिक भी नहीं मालूम, बस एब्स बोल दिया, बिस्किट बोल दिया, हो गया। अभी मैं अपना काफ दिखाऊंगा तो आप बोलोगे नो, ये जो होता है गैस्ट्रोनीमियस इसको बोलते हैं, इसको सोलियस बोलते हैं, इसको टीबिया बोलते हैं। अभी मैं बोलूंगा स्कॉट्स में आप नीचे जाओ ऊपर आओ, तो फिर आप बोलोगे नो, इसको इसेंट्रिक बोलते हैं, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, इसको डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये टेक्निकल बातें पब्लिक में नहीं समझ में आती लोगों को, तो इसीलिए पब्लिक वाला लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। बट आपको चाहिए जो होता है कोई कुछ बोले और आप उसको स्टोरी पे डालो, और आपको जो होता है फिर मैं बोलूँ कि तुमने ऐसे कैसे बोला, मैं ऐसा। लाइफ में ग्रो करना है ना, तो अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपने आप को जो होता है मतलब अपना स्किल बढ़ाओ। मतलब कभी भी ये सोचो मत कि जो होता है
एक काम करो, ये बंदा है इसको नीचे दिखाओ, नीचा दिखा के फिर ऊपर आओ, तो उससे आप ज़्यादा ऊपर नहीं जाओगे। आप जितना अपना टाइम एनर्जी हर एक चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप में देखो क्या कमियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करो। और अगर आपको लगता है कि दूसरा कोई है उसने कुछ गलती किया और आप उसको सुधार करना चाहते हो, तो ठीक है, उसको प्राइवेटली DM कर दो कि भैया ये आपने ऐसा ऐसा गलत लिखा है और इसको सही कर लीजिए, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, ये करते हैं, एडमायर करते हैं, आप गलत लिखेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। तो ये होता है करेक्ट करना। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शॉर्ट आउट, आपको होना है फेमस, इसके लिए आपने स्क्रीनशॉट निकाला, इसके लिए आपने उस पर लिखा कि जो होता है मैं यहाँ पे हूँ सबको सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसे करोगे, ऐसे थोड़ी ना कोई आपको जो होता है एंटरटेन करेगा, ना उसमें कुछ सीखोगे, ना आप रिस्पेक्ट कमाओगे, उल्टा जैसे मैंने ब्लॉक मार दिया वैसे लोगों के ब्लॉक लिस्ट में जाओगे। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता भैया, ठीक है। बाकी क्या बोलूँ, बाकी कुछ नहीं। आप सभी का दिन अच्छा हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लव यू मोह। नज़र ना लगे 10 दिन के बाद जो होता है, आई एम फीलिंग गुड और बड़ा हैप्पी, बड़ा पॉजिटिव। आज ट्रेनिंग भी दबा के अच्छे से होगा। तो चलो एक जो होता है बकचोदी वाला गेम खेलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ज्ञानी बाबा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉर्मल लोग जो होता है वो बैक का एक्सरसाइज करने जाते हैं, बट जो ज्ञानी बाबा होते हैं वो लेटस सीमेंट डॉर्सी ट्रेन करते हैं। तो उसी तरीके से आप बताओ आप कौन कौन से ज्ञानी बाबा, कैसे कैसे बोलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग करने, ये है आम जिंदगी, ज्ञानी बाबा की जिंदगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं माइक्रो ट्रामा करने। क्या करने? माइक्रो ट्रामा। भैया एक पेन किलर देना। तो ये आम जिंदगी। भैया डाइक्लोफेनिक सोडियम पैरासीटामोल सिराटो दे देना। ये है ज्ञानी बाबा जिंदगी। भैया बे प्रोटीन चाहिए। यार मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं ज्ञानी बाबा? यस सर, वी हैव हाइड्रोलाइज आइसोलेट एंड WPC। कौन सा बे प्रोटीन आपको चाहिए? WPC। क्या होता है WPC? ये भी नहीं मालूम? मैं ज्ञानी बाबा, मेरे को पूछो बे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, समझे? इस पे सीरीज बनेगा ज्ञानी बाबा सीरीज। प्यारी समझ गई। दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट्स और कंपटीशन की सबसे पहले अपडेट चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।